हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश भसीन। वेलकम बैक टू दिस चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज मंडे की मार्केट हम लोगों को बहुत अच्छी देखने को मिली है। एक डाउनसाइड हमें देखने को मिली है, ऊपर इंटरेस्ट में एक मेजर चेंज भी आया है। तो किस तरीके से मार्केट की डायरेक्शन ये पूरे वीक रह सकती है और एक्सपायरी किस तरीके से हो सकती है, वो सारी बातें को हम लोग एक बार चेक करते हैं एंड देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं। बिकॉज जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट पे चेंज आया ना, तो हम लोग अभी स्टॉक से शिफ्ट करके निफ्टी बैंक निफ्टी में फोकस कर सकते हैं और उस पर हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं। सो कल की जो ओपनिंग होगी वो डिसाइड करेगी कि किस तरीके से मार्केट हमें रिएक्शन दे सकती है और आई थिंक वो ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो के एक सिंपल डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड हमें दिखा सकती है। तो चेक करते हैं एक बार अपने डाटा पे जाके एंड अपने सेटअप पे जाके और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं एंड मार्केट को कैसे ट्रेड करना है। इसके अलावा हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें फ्री में देने वाले हैं लाइफ टाइम के लिए, जिसपे आपको पढ़ाया जाएगा, जिसपे आपको स्टॉक मार्केट की एवरी रिकमेंडेशन दी जाएगी, इंक्लूडिंग फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा आप IPO, बॉन्ड, स्टॉक, SIP, इंश्योरेंस, A to Z सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइव मार्केट असिस्टेंस होगी, चैट एंड कॉल सपोर्ट होगा, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, थोड़ी लंबी बनी है बट आपके लिए वर्थ इट होने वाली है। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या वीडियो के एंड में आपको यहाँ पर शो कर जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। चलते अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ। हाय एवरीवन, सो हम लोग अपने सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार निफ्टी की। सो निफ्टी का भी जो करंट प्राइस क्लोजिंग प्राइस है, दैट इज 16,890 रुपीज़ का, तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स मान लेते हैं 16,900 की क्लोजिंग है। अब यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, बिकॉज मंडी के एनालिसिस तो हम कर नहीं पाए थे, तो एक बार एनालिसिस अभी कर लेते हैं। अगर आप एक चीज़ देखोगे तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे टॉप्स के हाइस को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देखोगे तो व्हाट हैपेंड हियर इज, यहाँ पर एक इस हाई से एक फॉल आया, इसने क्रिएट करा एक लोअर हाई एंड अगेन इसने अपने लो को ब्रेक करा, अगेन इसने क्रिएट करा लोअर हाई, अगेन इसने अपना एक लोअर लो क्रिएट करा है। सो आप एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड देख रहे होंगे कि एक लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप एक चीज़ स्टडी करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 वेव्स हमें देखने को मिली है और हर एक वेव के अंदर इनर वेव भी है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक वेव है 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट, समझ रहे हैं। तो एक वेव के अंदर भी इनर वेव्स बनी हुई हैं एंड टोटल 5 बनी हुई हैं। सो ये 5 वेव आई, आफ्टर दैट एक अच्छी मूवमेंट आई, इसने इस प्रीवियस स्विंग हाई को क्लोज नहीं कर पाया, अदर देन दैट इट क्रिएटेड अ डबल टॉप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल और उसकी जो नेक लाइन थी, ये पर्टिकुलर नेक लाइन थी, उसको भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए। अब यहाँ पे एक हायर चांस निकल के आ रहा है कि शायद ये लो सस्टेन ना करे अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, और देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि एक ब्रेकआउट 18,120 के ऊपर आ सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जस्ट दिस स्ट्रक्चर जो ये बन रहा है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। आई एम नॉट सेइंग कि यही होगा, अभी हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है और ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी चेक करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिल रही है। एक बार हम यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो आफ्टर यूजिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम देख रहे हैं कि ये एक जोन है जहां पर एक बेस बन सकता है एट दिस लेवल, जो कि पूरी अप मूव का 50% है, उसको उसको टेस्ट कर चुका है जोन के अंदर, ये एक बार टेस्ट कर चुका है, 50% को हिट अभी तक नहीं करा, जो कि 16,650 का लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चांसेस हो सकते हैं, या तो मोस्ट प्रोबेबली एक या दो दिन के अंदर बाउंस बैक आ सकता है, या तो एक्सपायरी एक अच्छी बुलिश एक्सपायरी हो सकती है और मार्केट कल के दिन रेंज बाउंड करे। आई थिंक वेडनेसडे को हॉलीडे है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। कल के दिन अगर रेंज बाउंड होता है या मार्केट ऊपर क्लोज होती है, ज़्यादा भी नहीं कुछ भी ऊपर क्लोज होती है, तो देर इज़ अ हायर चांस कि मार्केट मंडे को थर्सडे को एक्सपायरी में इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे सकती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, कल भी हम लोग एक डाउनफॉल देखते हैं और थर्सडे को ओपनिंग में भी हम वैसा कुछ देखते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लेवल भी हायर चांस है कि ब्रोक हो सकता है, ठीक है। अभी हमारे लिए एक सबसे बढ़िया दो सपोर्ट बने हुए हैं। फर्स्ट सपोर्ट इज जो ये वाली कैंडल का रिजेक्शन पॉइंट है, दैट इज 16,750, और एक सेकेंड सपोर्ट है 16,650 का। कॉपी पेन पे एक बार नोट कर लो, ये दोनों सपोर्ट है, इन दोनों की रेंज के अंदर से बाउंस बैक आ सकता है। सो मैं क्या करता हूँ, जोन को ना थोड़ा सा छोटा करके इसी लेवल पे ले आता हूँ कि इस रेंज के अंदर ही हमें एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। इतना समझ में आ गया। अब जब ये वेव बन चुकी है, 5 वेव, अब देयर इज अ हायर चांस कि ये ए बी सी पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो वहां पर हमें अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। एक बार चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, अब इसको हटा देते हैं,
ठीक है, हमारा वीकली टाइम फ्रेम का सिनेरियो खत्म हो चुका है और ये आने में भी टाइम लगेगा, तो हमें अपने आप रिवर्सल पता चल जाएगा जब आएगा। ठीक है, हमें उससे पहले अपना कोई भी बाय ट्रेड ऐसे जबरदस्ती नहीं लेना जब तक हमें कन्फर्मेशन ना मिले। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम स्टडी करें तो हमने ये चीज़ तो देख ली है, मैं एक बार लाइन ड्रॉ यहाँ पर भी कर देता हूँ कि ये एक अच्छा सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ, आफ्टर अ ब्रेक डाउन ये नीचे गया, अगेन इसने एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ड्रॉ करी एंड यहाँ तक गया, बट वो भी चीज़ सस्टेन नहीं कर पाई एंड अगेन आज के दिन हम लोगों ने एक मोर देन इस कैंडल का 61% से भी नीचे का फॉल देखा है। ठीक है, तो वो चीज़ अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर एक सिनेरियो हो सकता है, या तो कल एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलनी चाहिए और ये ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए 17,000 के आसपास या उसके ऊपर, तो डेफिनेटली वी नीड अ क्लोजिंग टुमारो अगर हमारे को ज़्यादा चांसेस चाहिए कि एक पॉसिबल रिवर्सल आ सकता है ऑन अ बाय साइड को। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम चलते हैं एक बार 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। सो ना 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हमने क्या देखा कि अभी एक जो ये एक बेस है, ठीक है, इस बेस पे मार्केट अभी एक क्लोजिंग दे सकती है, यहाँ पर एक पॉज ले सकती है। अगर ये पॉज ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट डेफिनेटली ये है, कल के दिन अगर ये वाला लो ब्रेक होता है, ठीक है, लेट्स एक्सपेक्ट कि कल के दिन ये वाला लो ब्रेक हो रहा है, जैसे ही ब्रेक होता है नीचे एक क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम की, हम अपना ये टारगेट मान के चल सकते हैं जो कि हमें इजीली देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि शायद यहाँ पर एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट हो और 50% भी टेस्ट होने के चांसेस हो और वहाँ से एक बाउंस बैक आ जाए। ठीक है, सो कल सारा डिपेंड करता है कल की मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी, उसके बेसिस पे हम अपना थर्सडे की एक्सपायरी को प्लान कर सकते हैं। एक बार चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के डाटा पे। अब यहाँ पे हमें एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है, जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ और आपको मेरी बातों से ये भी लग रहा होगा कि बाय ऑन डिप्स। ठीक है, मैंने अभी तक सेल की कोई बात नहीं करी, एक बड़ा फॉल आ सकता है दैट एंड दिस, बट यहाँ पर आप समझिए क्लोजिंग कितने में हुई है, क्लोजिंग हुई है 16,900 पे। मैं आपको टारगेट्स बोल रहा हूँ 16,750 to 650, यानी कि 150 से 250 पॉइंट की गिरावट तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो आनी चाहिए, येस और नो? ठीक है, अब यहाँ पर स्टडी करते हैं 16,900 का। सबसे पहले हम लोग कॉल और पुट का ओआई चेंज देखते हैं, सिंपल 16,900 पे कॉल का एडिशन है ऑलमोस्ट 1.9 मिलियन, 1.9 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स, 19 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव है। पुट ओआई चेंज पे आप देख सकते हो कि 2.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी पोजीशंस अनवाइंड हुई है और 2.5 लाख एक्स्ट्रा कॉल्स अनवाइंड हुई है। ठीक है, टोटल आउटस्टैंडिंग में से तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता लग रही है कि 16,900 से पुट राइटर्स निकल गए हैं, दैट मीन्स बायर्स निकल गए हैं जो सोच रहे थे कि उसके ऊपर क्लोजिंग आ सकती है 6 अक्टूबर को, वो चीज़ निकल चुकी है। हायर पोजीशंस कॉल राइटर्स में ऐड हुई है, जो बियरिश होते हैं उन लोगों ने ज़्यादा पोजीशंस ऐड करी है, दैट मीन्स कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16,900 के नीचे ही क्लोजिंग होगी। अगर नीचे क्लोजिंग होगी तो कहाँ तक जाएगा, क्या बेस है 16,800 में, चेक करते हैं। आते हैं 16,800 पे, तो 16,800 पे हमने देखा कि कॉल राइटर्स का ओआई चेंज एडिशन हुआ है 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का। इसके अकॉर्डिंग, इसके अलावा अगर हम पुट में देखें तो 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए हैं, सेम सिनेरियो कि यहां पर 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट 16,800 से भी अनवाइंड हुए हैं, मतलब वो भी सोच रहे हैं कि और ज्यादा नीचे भी जा सकता है। चलो कोई बात नहीं, जा सकता है। एक बार 16,700 चेक करते हैं। 16,700 पे अगर आप चेक कर रहे हो और आप देख पा रहे होगे क्लियर बेसिस पे कि ऑलमोस्ट 1.27 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटर्स की अनवाइंड हुए हैं अपनी पोजीशंस में से, ऑलमोस्ट 40% क्वांटिटीज अनवाइंड हो चुकी है। दैट मींस वो लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बड़ा ड्रॉप आ सकता है जो कि 16,700 के नीचे जा सकता है। हमने कोई बात करी थी फॉल तो आ सकता है, कहां तक आ सकता है 16,750 to 16,650, वहां पर हमें बाय करना है। आते हैं 16,600 पे, वहां पे अब कॉल राइटर्स का चेंज हमें अभी भी देखने को ज्यादा नहीं मिला है। ठीक है, तो जब तक यहां पर आएगा शायद पुट राइटर्स अपनी पोजीशन एड ऑन करना स्टार्ट कर दे। एक बार ऊपर चलते हैं, क्या 17,000 हिट करेगा? 17,000 पे ऑलमोस्ट 5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही एड हुए हैं और सिर्फ 6 लाख पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, कॉल के 5 मिलियन हुए हैं, सॉरी। सो बहुत वास्ट डिफरेंस है, तो 17,000 का लेवल अगर गैप अप से नहीं टूटता तो देर इज अ हायर चांस कि वो कल भी ना टूटे। ठीक है, सो हमने क्या डिसीजन लिया, ऑलरेडी हमें बाय तो करना है बट कहां पर बाय करना है, वहां तक का फॉल भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अभी हमें 200 से 250 पॉइंट ईजिली मिल सकते हैं फॉल साइड में, तो वो भी हम ट्रेल कर सकते हैं अगर सिंपल नीचे जाना स्टार्ट करता है।
अदर देन दैट अगर वो कल गैप अप होता है 17,000 के आसपास तो हम अपना एक बाय ट्रेड सोचेंगे। अगर वो सस्टेनेबल होता है और शुरुआत के आधे घंटे तक 9:45 तक इस लेवल पे हमें पुट राइटर्स की पोजीशन ज्यादा ऐड होने को मिलती है और कॉल राइटर्स अनवाइंड होना स्टार्ट होते हैं तो ही, ठीक है, ये पूरा डाटा आपको समझना है क्योंकि मैं टेलीग्राम पे अच्छे से वॉइस नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ आपको, तो प्लीज मेक श्योर नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है आप जाके ज्वाइन करिए। ठीक है, अब एक बार चलते हैं दोबारा बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, ठीक है, लेट मी ओपन बैंक निफ्टी फॉर यू। सो बैंक निफ्टी का मैं डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी में यहाँ पर हम लोगों ने देखा था एक बेस ये बना हुआ था इस लेवल पे, ठीक है, वो बेस यहाँ पे ब्रेक हुआ था, कंस्ट्रेंट इसने एक लोअर लो भी क्रिएट करा था, आफ्टर दैट एक ह्यूज मूवमेंटम हमें देखने को मिली और यहाँ पर आया। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब अगर आप सोच रहे हो यार ये तो जोन के ऊपर है बट निफ्टी नीचे है तो वो निफ्टी वीक होगा, ऐसी बात नहीं है, निफ्टी ज्यादा नहीं गिरा है अपने इस लेवल को ब्रेक करके, वो बस यहां तक ही गिरा है, बट बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिर चुका है, वो अपने सेकेंड सपोर्ट लेवल से ऊपर है ना कि फर्स्ट सपोर्ट लेवल से। ठीक है, तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी, ये पहले हमें समझना है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे अगर ये वाला लेवल कल ब्रेक होना स्टार्ट होता है, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं यार, अगर कल ये वाला लेवल ब्रेक होना स्टार्ट होता है क्योंकि यहां पर इसने मल्टीपल सपोर्ट्स लिए थे, फिर एक गैप अप हुआ यहां पर सपोर्ट लिया था और इसी लेवल को ब्रेक करके बार बार नीचे जा रहा है। सो अगर ये लेवल कल ब्रेक होता है 37,900 का और क्लोजिंग नीचे की तरफ मिलती है 15 मिनट की कैंडल पर, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट हमारा ये होगा, सेकेंड टारगेट हमारा ये होगा, हमारे दो टारगेट्स हैं जो हमें इजिली देखने को मिल सकते हैं और हम इन पे अपना ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या बेट्स बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स अभी भी मैं बाय के लिए ही रख रहा हूँ। ठीक है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में ओपन करता हूँ और मेरा पहला स्टॉक है इंडिया सीमेंट, लेट मी ओपन। या सो मैंने इंडिया सीमेंट को ओपन कर दिया, यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक फॉल आया, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव, आफ्टर अ फिफ्थ वेव अगर हम यहाँ चेक करोगे ये एक जोन के अंदर, एक्यूमुलेशन जोन के अंदर चला गया, आफ्टर दैट ए बी सी, अब ये नीचे आ रहा है, आप देख रहे हो यहां से इसने गैप डाउन ओपनिंग दी थी और एक अच्छा फॉल आया था और यहीं पर इसने अपना एक रेजिस्टेंस फेस करा था, आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस इसने रीटेस्ट करा, 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है और वहां से ऊपर गया। अगेन यहां पर अभी सपोर्ट लेने आया है, इस पूरी मोमेंटम का 61% जो कि गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो होता है वहां पर आया और अपना 200 का इसने सपोर्ट भी लिया है। अगर ये लेवल से यहां से बाउंस करना स्टार्ट करता है, अभी करंट प्राइस है 254 रुपीज का, अगर कल ये 256 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है और उसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग भी हो जाती है, 266.5 की भी हो जाती है, तो भी हम अपना एक बाय सेटअप ले सकते हैं और ये ऑलमोस्ट 268 से 270 तक जा सकता है, मतलब अपने प्रीवियस विंग हाइस तक इजीली जा सकता है। बट अगर कल ये इस लाइन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे देता है एक बियरिश कैंडल का, मैं ये नहीं कहना कि नीचे जाना स्टार्ट कर आपने शॉर्ट कर लिया, क्लोजिंग दे देता है तो ही हम अपना एक सेल ट्रेड भी ले सकते हैं और हमारा ये टारगेट हो सकता है। अब मैं यहाँ पर सेल ट्रेड क्यों कह रहा हूँ, वरना मैं जनरली कहता नहीं हूँ, मैं एक ही जगह रहता हूँ, क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करा है इस लेवल पे। आप चेक करोगे ये जनरली ना फॉलो नहीं होता, जब भी एक बार ब्रेक करता है रीटेस्ट करके दोबारा नीचे जाता है, फिर ट्राई करता है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में ही ये सस्टेन कर पाता है और ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है, इसने एक ही बारी में जर्नी करी है, तो अगर ये नीचे जाना स्टार्ट करता है तो देर इज हायर चांसेस यहां से पॉज लेकर फिर ऊपर ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम इतना भी शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं बट हमें अर्ली एग्जिट शॉर्ट पे करनी है रैदर देन बाय में। ठीक है, हमारा दूसरा स्टॉक है डॉक्टर रेडी। अभी ना मैं फार्मा स्टॉक्स पे ज्यादा बुलिश लग रहा हूँ क्योंकि मुझे उस पर लग रहा है कि अगर मार्केट स्टेबलाइज होती है तो फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। सो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ डॉक्टर रेडी पे, इसने एक अच्छा शार्प फॉल दिया, एक इम्पल्स मूव दिया, आफ्टर दैट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का और इस पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट दिया, अगली बार नेक्स्ट कैंडल मतलब मंडे को फ्राइडे के सेशन पे अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट उसने एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया बट 200 का सपोर्ट लिया, वहीं लो क्रिएट करा और एक ऊपर बाउंस दिया और आज के ट्रेडिंग सेशन पे भी गैप डाउन आया बट दोबारा बायर्स री एंटर हुए इस जोन में और ये अपने प्रीवियस सारे हाइस के ऊपर जाके क्लोज करा, विच इज अ वेरी गुड साइन। दैट मीन्स अगर कोई डिप आ रही है तो बायर्स और एग्रेसिवली एंटर कर रहे हैं और पोजिशन एड ऑन कर रहे हैं डॉक्टर रेडी में, तो ये चीज हमें समझनी है।
ठीक है, तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से डॉक्टर रेड्डीज में हमें करनी चाहिए, और हम अपने टारगेट्स इस प्रीवियस स्विंग हाई के तो नहीं बट हम इस लेवल तक के मान के चल सकते हैं कि 45-60 तक के टारगेट्स हमें इजिली डॉक्टर रेड्डीज दिखा सकता है आने वाले टाइम पे। आई एम नॉट सेइंग कि कल के कल आ जाएंगे बट आने वाले टाइम पे ये दिखा सकता है, तो मेक श्योर आप इस पर अपना फोकस रख के चलिए। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा का मैं वीकली टाइम फ्रेम ओपन करना चाहूंगा। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आई थिंक ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस दे रहा है। बहुत इजीली इसने 16,010 के लेवल से एक ह्यूज ड्रॉप दिया था जो कि ऑलमोस्ट 1,250 तक आ गया था। आफ्टर दैट आप कंसिस्टेंट बेसिस पे देख सकते हो इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम। कंसिस्टेंट बेसिस पे हायर हाइज एंड हायर लोज का कंटिन्यूशन फॉर्मेशन कर रहा है, ना कि एक स्ट्रेट लाइन पे ऊपर जाके ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। सो अगर आप यहाँ चेक करते हैं, अगर ये इस लाइन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर अभी तक क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली है, अगर ये इस लाइन के ऊपर जहां पर आज की क्लोजिंग है 1560, अगर कल इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है आधा घंटा भी, तो अपना एक बाय ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं। ठीक है, हम अपना अगर इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, इस रेंज के अंदर है, हम अपना बाय ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा 1610 होगा जो कि ऑल टाइम हाई है। अगर ये ब्रेकआउट होता है, और देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ये ब्रेकआउट दे देगा अगर मार्केट शार्प फॉल नहीं हल्के हल्के फॉल करती है, जो आज हल्के हल्के फॉल करी है ना, पहले रिकवरी हो रही है फिर ज़्यादा फॉल कर रही है, फिर थोड़ा पुल बैक ले रही है फिर फॉल कर रही है, अगर वैसा होता है तो ये एक ब्रेकआउट भी दे सकता है कल की मार्केट पे। सो मेक श्योर आप इसको वॉच करके जरूर चले। टोटल 3 स्टॉक्स हो गए हैं, मार्केट की एनालिसिस हो गई है, तो मेक श्योर आप कल पैसा कमा पाए जिस स्ट्रैटेजी से हम लोगों ने आपको बताया, आप इसे नोट करा करिए और पेपर अपना सामने रखा करें जब आप मार्केट पे एंटर करें, तो इजीली आपको जैसे ही वो सामने में सिनेरियो दिखेगा ना, आप पेपर में चेक कर सकते हैं और तुरंत ट्रेड ले सकते हैं। आपको बार बार मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिस्टम्स थोड़ा को फॉलो करना स्टार्ट करो अगर आप एक्चुअल में पैसा कमाना चाहते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आना आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके से आपको ट्रेड्स भी दिया करूँ, लाइव मार्केट पे चैट एंड कॉल का सपोर्ट भी दूँ, कोई ट्रेडिंग सिस्टम से अकाउंट से आपको दिक्कत आती है, कोई ब्रोकर से दिक्कत आती है, तो वो मैं एट अ टाइम सॉल्व कर पाऊँ और साइड बाय साइड आपको वीकेंड्स के अंदर पढ़ा भी दूँ। सो मेक श्योर आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखो जो यहाँ पर आपको शो कर रही है, पूरी देखो, और पूरी देखने के बाद आपकी लाइफ मार्केट के अंदर चेंज हो सकती है। एंड ज़रूर उस गूगल फॉर्म को फिल करना मत भूलना। वील कॉन्टैक्ट यू फॉर दैट। हैव अ गुड डे। बाय बाय।